वर्ग के छात्र हैं पीएचडी कोर्स वर्ग के, और कर्मियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं। और मैंने 3-4 जो कोर्स वर्ग के छात्र हैं उनका मैंने अनुभव भी सुना। मुझे खुशी है कि मेरी तारीफ भी हुई कि डटे रहे, 19 महीना झेल लेना आसान काम नहीं है, लोग एक दिन नहीं झेल पाते, और मैं टस से मस नहीं हुआ। इसलिए कि सच्चाई की बुनियाद पर टिका हुआ था। जिस विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ उनका स्लोगन ही था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। मुझे बेहद खुशी है, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि कुल 67 छात्र छात्राएं यहाँ पर रेगुलर क्लास कर रही हैं कोर्स वर्क। आउट ऑफ सेकेंडरी से जितने 3-4 नहीं आए हैं तो अब दूसरे साल में जाएंगे, उसमें से 40 के 75% पूरे हैं। बहुत सारे 40 में जो दो हैं मुकुल कुमार सिंह, उनके तकरीबन 93 लेक्चर है, पता नहीं परसेंटेज सेट करना होगा, 84% होगा। कौन है मुकुल कुमार आए हैं संचालक जी बदलने के लिए, और दूसरे हैं अमीरा कुमारी आप हैं, और इनका भी 112 टोटल लेक्चर डिलीवर्ड में करीब 86 है, परसेंटेज करना होगा सर 89। मैं दोनों छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय की ओर से सम्मानित करूँगा। मुझे याद है जब मेरी बेटी पढ़ना शुरू की थी, पहली संतान थी, बाप बने हुई पैदा हुई थी, मैंने बाप बन पाते हुए तो उसका नाम लिखा है LKG में। तमूमन प्राइवेट स्कूल्स में जो होते हैं कन्वेंट में होते हैं LKG UKG या फिर 1, 2, 3, 10, और 12 साल का स्कूलिंग और एक भी दिन एबसेंटी नहीं, और डे स्कॉलर आप अंदाज कीजिए, और घर से स्कूल की दूरी 2.5 किलोमीटर, और आज से 20-25 साल पहले बहुत बारिश भी हुआ करती थी, पिछले साल हुई थी, इस साल पता नहीं क्या हुआ। और उसने इस रिकॉर्ड को कीप अप किया। मैं ये क्यों बताना चाह रहा था, मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि लेक्चरर की तनख्वाह बहुत कम थी, मैंने बच्चे को कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं कि मैं ट्यूशन पढ़ा सकता, और मुझे उतनी जानकारी ना, मैं जियोलॉजी का हूँ उतना फिजिक्स में आती है ना मैथमेटिक्स आता है, तो क्लास में शिक्षक से ज़रूर पूछोगे कि कल क्या पढ़ाएंगे, और आज जो पढ़ाए तो उनके पॉइंट्स तुम ज़रूर नोट करोगे। इसलिए देखते हैं जब भी मैं क्लास में आता हूँ शिक्षक को कहता हूँ कि कॉर्नर में आप डेट लिखें, पीरियड लिखें और टॉपिक लिखें। मैं हर शिक्षक से यही आग्रह करता हूँ ताकि वो जो छात्र यहाँ से घर जाएं तो टॉपिक उनको मालूम रहे कि उस दिन ये टॉपिक इन्होंने पढ़ाया था, आज उनका क्लास है तो उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे या उसके इधर टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, और UNO के महिला पैनल में उसका नाम है। भारत सरकार के नवरत्ना कंपनी के सीनियर मैनेजर है, और जहाँ भी जिस एरिया में उसकी पोस्टिंग होती है वो कंप्लीट वुमेन ओरिएंटेड ही ऑफिस रखती है। जो अगर पेट्रोल पंप भी उसको कोको कहते हैं, कंपनी ऑपरेटेड एंड कंपनी ओन, तो उसमें तकरीबन 150 कर्मी होते हैं, फ्रॉम सिक्योरिटी गार्ड टू जो डिस्पेंसर होता है जो नोजल पकड़ता है, कंप्लीट फीमेल होती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लखनऊ से शहर में, दिल्ली से शहर में, और इस तरह का चला लेना कितना जोखिम बढ़ा है, कितना टाइम डिवोट करती है। इसलिए मैं इन दोनों छात्र छात्राओं को पहले मैं सम्मानित करूंगा, लेडीज फर्स्ट, पहले उन्हीं को मैं दिए सामने चलिए। मैंने बहुत पहले ही आप सबों का मैंने शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें ये अवसर दिया,
और यूं ही बात नहीं होती है। जितने लोग जमा हुए, इतना जो जोश है, इतना जज्बा है, इतना जुनून है, वो यूं ही थोड़े है। अप्रैल से लेकर के आज तक की मेहनत है। जैसा कि अभी कंट्रोलर साहब थोड़ा बोल रहे थे कि शायद कल से हो सकता है फॉर्म भरने का डेट आ जाए आपका कोर्स वर्क का, इसलिए कि हमको पैट 22 आयोजित करने हैं। मैं इसको रेगुलर फेनोमेना के रूप में मैं जब तक हूँ, 21 मैंने कराया, 22 कराऊंगा, 23 भी जाने के पहले मैं करा दिया है। 31 मार्च 2023 तक 22 तक की सभी परीक्षाओं को मैं संचालित कर दूंगा। आप अंदाज कीजिए हमको 7 परीक्षाएं संचालित करनी है। एक खत्म हुआ 4 दिन पहले, दूसरा शुरू हो गया, ये जिस दिन खत्म होगा उसके दूसरे दिन दूसरा शुरू होगा, ये जिस दिन खत्म होगा उसका दूसरा शुरू होगा, और चारों चार दिशाओं में बिहार में इसका मूल्यांकन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये बताने की बात नहीं है, इसीलिए कि अगर हमारे टीचर मूल्यांकन में उधरा जाएंगे तो हम परीक्षा नहीं ले सकेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि 22 तक का स्थिति निबट जाए, फिर 23 हमारे पास रहेगा, तो अप्रैल मई जून जुलाई हम लोग उसमें ही निपट लेंगे। ये पहली बात रही, इसलिए घबराएं नहीं, और शायद पूरे बिहार में एकमात्र कुलपति हूँ जिसे सिर्फ विश्वविद्यालय ही सोचता है, बाकी और कुछ नहीं सोचता। मैं किसी नहीं चाहता कोई मेरे यहाँ आता है, मैं कहता हूँ मैं 9 बजे से लेकर 9 बजे तक विश्वविद्यालय में आ जाइए। इतने प्रोफेसर साहब हैं, हमको लगता है अनिल बाबू शायद एक पड़ गए, वो भी कोविड काल में मैं परीक्षा स्थगित नहीं कर रहा था, 11 बजे रात में पहुँचे कर स्थगित कर दिए, हमने नहीं करेंगे। रिपोर्ट वपोर्ट दिखलाए, सरकार को दिखाए, तब फिर उसका हम लोग उसको स्थगित कोई आते ही नहीं वहाँ। मैं 2 बजे दूसरे की बात मैंने सुना था और गाँव में मैंने विश्वास करता कि फलना थे तो फलना थे, फलना होगा, वो सब कुछ नहीं है क्या। अरे है में यकीन कीजिए ना, व्हाट इज प्रेजेंट, पास्ट इज गॉन, फ्यूचर इज नॉट नोन, पास्ट इज गॉन, फ्यूचर इज नॉट नोन, व्हाट इज विद मी इट इज द प्रेजेंट। जो हमारे पास है तो प्रेजेंट है, हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसमें कैसे बेहतरी ला सकते हैं, सीमित संसाधनों में, सीमित रिसोर्सेज में। मैं जानता हूँ कि जब जोर से पानी पड़ता है उस दिन लेग्स पूरा भीग गया था, मैंने आकर के डांटा कपड़ा से, मैंने खुद पूछा। जब अभी लग रहा था LCD स्मार्ट क्लास एक की कीमत करीब 7 लाख रुपये है और 4 लगे हैं, और मेरी पहली यूनिवर्सिटी है जिसने कि तुरंत जिस दिन आया उसके दूसरे दिन लगवाया और सरकार में लिख के भेजा कि हमारे डिपार्टमेंट छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे मकान में चलते हैं, इसलिए हमें कई चाहिए, मैंने 10 का रिक्वायरमेंट और भेज दिया। हमारे कुछ साथी बोल रहे थे, मैं जब यहाँ आया तो पहला तो यही था कि जो 10 करोड़ रुपया आया था कर्मियों के भुगतान के लिए, जो दैनिक भोगी है 186 के करीब दैनिक भोगी है विश्वविद्यालय, आप लोगों जो पैसा वसूलते हैं उससे उनकी तनख्वाह है विश्वविद्यालय, और सबसे कम फीस यहाँ है, मैं नहीं पढ़ा, कोई फीस नहीं पढ़ा, और सबसे पहले यही यूनिवर्सिटी था जो छात्राओं के एडमिशन में JER उसकी रसीद पर, मैंने गवर्नर साहब को यहाँ कहा था कि तमाम भाई चांसलर जो बैठे हुए हैं या चार्जिंग फीस कम लगता है। मैं इसलिए आया हूँ कि मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, समाज के लिए मैं काम करता हूँ, मैं इसलिए समाज की कमजोरी फिर सरकार के 100 करोड़ के तमाम भाई चांसलर जब JPU नहीं चार्ज कर रहा है सरकार, अभी जो छात्र बोल रहे थे कि बिहार सरकार ने भी कुछ घोषणा किया सुधार के लिए, वो मेरा प्रस्ताव है, कि मैंने प्रस्ताव को बजट में शामिल किया और उसको सरकार ने अपनाया। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से चिट्ठी मंगवाया और 8,000 रुपये दिया जाता है जिनको कोई फेलोशिप नहीं मिलता है, माना जिनको CSR का मिल रहा है, जिनको ICSSR का मिल रहा है, जिनको UGC का मिल रहा है, जिनको भावा एटॉमिक रिसर्च का मिल रहा है, जिनको और किसी चीज़ का मिल रहा है, जिनको नहीं कुछ मिल रहा है, तो उनके लिए 8,000 रुपये वहाँ मिलते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट वहाँ पोस्टेड थे, मैंने वहाँ पूछा कि JNU में बिना फेलोशिप के एडमिशन नहीं होता है, तो JNU तो एक अनोखा यूनिवर्सिटी है, जैसे 76 में मैंने नाम लिखाया था, कंपटीशन में 3rd किया,
हमारे पास फेलोशिप की भरमार थी, ये लेके वो लेके वो ले, क्योंकि बगैर फेलोशिप का वहाँ एडमिशन नहीं होता पीएचडी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फेलोशिप और उसी के आधार पर स्टूडेंट का वो सिलेक्शन करते हैं, पहले ही डिसाइड होता है, उतना ही स्टूडेंट की एंट्री होती है। तो मैंने ये प्रस्ताव दिया कि कम से कम वैसे छात्र जिन्हें कोई फेलोशिप नहीं मिल रहा है तो उसमें कम से कम 8,000 रुपये दिए जाए, जो दूसरे विश्वविद्यालयों में ये लागू है और सरकार ने लागू तो कर दिया, हमें भी चिट्ठी आई और करीब 5 पेज की चिट्ठी है, सरकार ने 4 फैकल्टी में 100 करके दिया है पूरे बिहार। शर्तें बड़े कठिन लगाए हैं उसमें, जैसे लेक्चरर की जो बहाली होती है कि इंटर में इतना नंबर है तो इतना पॉइंट, बीएससी बीए में इतना है ग्रेजुएशन में तो इतना पॉइंट, मैं चाहूँगा कि अभी मैं जाऊँगा तो मैं सभी विभाग को उसकी फोटो कॉपी भेज दूँ ताकि वो नोटिस बोर्ड पर लगे। तो उसमें यही नहीं है, उसमें यह है कि जो नेट क्वालिफाइड है उनको दे। आप लिखिए, मैंने कंट्रोलर साहब से पूछा कि पता लगाइए कि हमारे जो 500 कुछ के करीब जो हमारे छात्र पीएचडी कोर्स में एडमिटेड हुए उसमें कितने नेट इस बार क्वालिफाई किए हैं, उनको मैं पुरस्कृत करूंगा और कैश अवार्ड भी दूंगा। तो अखबार के माध्यम से दो का पता चला, दोनों शिक्षिका शिक्षक और शिक्षिकाएं, कोई बाकी और काम को पता नहीं चला, अगर आप लोगों को पता चले तो उन्हें बताइए उनके बारे में, तो मैं उसको भी सम्मानित करूंगा। पाबंदी नहीं है, वो 50 साल तक भी, 45 साल तक भी हो सकता है, अभी कुछ मोरेटोरियम लगाए तो वो लेक्चरर होने के लिए जरूरी है। अब एक नेट और पीएचडी दोनों चाहिए लेक्चरर के लिए, अगर पीएचडी हो भी जा रहा है नेट नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, 3 पॉइंट दिया है नेट वाले को, जीआरएफ है तो थोड़ा बेसी पॉइंट है, 2, 5, 6, 7, 5 नेट और 7, 11 है तो 7 है, तो उतना पॉइंट पीछे हो जाएंगे पीएचडी में, शायद 30 है, तो इसलिए भी पीएचडी पर जोर है। और मैं जब से आया हूँ तब से कुल समझिए 25 महीने में तकरीबन 2,500 को पीएचडी अवार्ड किया है। आप अभी मैंने कुछ पर रोक लगाया, इसलिए लगाया कि ये कांग्रेस के प्रांत के महासचिव हैं, वो फलमा हैं, आज टीसी जमा कराते हैं, कल सुपरवाइजर के जरिया परीक्षक के यहाँ पहुँच जाते हैं, दूसरे हफ्ते रिपोर्ट आ जाता है, चौथे हफ्ते इनका भैवा हो जाता है, लेकिन ये है जिनका कोई नहीं है तो इनका टीसी रखा हुआ है। मैंने 5 दिन पहले कहा है रिसर्च सेल को कि प्रोवाइड मी विद द क्रोनोलॉजी फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन टू डेट ऑफ सेंडिंग द थीसिस रिसीविंग ऑफ द रिपोर्ट एंड कंडक्टेंस ऑफ भाईवा, आप टेबुलर फॉर्म में बनाए और मैं उसके बाद ही भाईवा कराऊंगा चाहे किसी का। डिग्री में खरीद बिक्री होती थी, 5,000 से 10,000 की बोली थी मुझे मालूम, हमें इनको चरंडी भी देने में आता है। तो हमने कहा रुके कैसे, आपको नहीं यकीन होगा, मैं अपने स्टाफ से डिग्री को प्रिंट कराता हूँ, अपने चैम्बर में कराता हूँ, ये कोई वाइस काउंसलर नहीं करता है, इतना फुर्सत कहाँ है उसकी। और इस लिहाज से डेट वाइज एंट्री होती है, अगर इनकी नौकरी है इनका इंटरव्यू है सेम डे देते हैं, आप नहीं विदाउट चार्जिंग लेने की। अब हम लोग सोच रहे हैं कि जो अर्जेंट वाले से थोड़ा बहुत वसूला जाए ताकि यूनिवर्सिटी का कुछ खर्चा चले, हम कहेंगे कैंट लगा दीजिए, भले उधर से साइकिल से बना दीजिए, आने जाने में रास्ता नहीं है, डेस्क बेंच टूटा हुआ है, बहुत सारी समस्याएं हैं और यूनिवर्सिटी कुछ देती नहीं उसके लिए। तो इस यूनिवर्सिटी का तकरीबन 30 करोड़ रुपये लौटे, 30 करोड़। ये जो आप यहाँ पर विभाग आया है हॉस्टल में चलता था, राजेंद्र कॉलेज छपड़ा के हॉस्टल में चलता था, जिसमें इतना पानी रहता था चारों तरफ, बांस के चचरी पर जाया जाता था, मैं एक दिन गया था लगा कि कहीं गिर जाऊँगा, मालूम हुआ कि नेशनल न्यूज़ बनेगा, फिर नाली में कुलपति गिरा, यहाँ आया मामा में चाह रहे आए, आस्ते आस्ते वाशरूम भी बना, बनेगा सब चीज़ बन जाएगा, 11 महीने कम नहीं होते, 5 दिन में जब विश्व युद्ध समाप्त हो सकता है 11 महीने में क्या नहीं हो सकता। सकता है कि नहीं हो सकता है? तो
प्रण लेने की जरूरत है, हिम्मत मर्दा मरते हिम्मत करेगा। और आप लोग सभी हिंदी में पढ़े हुए होंगे कि कोशिश करने वाले की कभी कुछ समस्याएं मुझे मालूम है। पुस्तकालय में जो है 24 घंटे खुलने चाहिए, नहीं खुलते 24 घंटे क्या थी, बोले कि टाइम के ऑफ खोलिए। अब जो क्लास 11 बजे से चलता है तो आप उसी समय आप भी खोलोगे तो लड़का क्लास करेगा कि पुस्तकालय जाएगा, अरे तुम्हारे भी खोलो जिनको आना है वो आएगा। तो यहाँ एक बीमारी पकड़ी हुई कि सभी बाबू 11 बजे आएंगे, सभी बाबू 12-3 बजे चले जाएंगे, और 4 घंटा नहीं मिलाओ। और हम लोग जहाँ पढ़े हैं पढ़ाए हैं अब वहाँ 6:30 to 5:30 होता था तो क्लासरूम खाली रहता था। अब एक ये क्लास अगर इकोनॉमिक्स का है तो पॉलिटिकल साइंस वाले कुछ नहीं देगा, जैसे लगता रजिस्ट्री हो गया। मैं बता रहा हूँ सच्चाई है, कोऑपरेशन की कमी है, ओरिएंटेशन करने की जरूरत है इन लोगों के लिए। मैंने कहा कि आप तो 7 टीचर हैं, 3 टीचर को थोड़ा सवेरे बुला लीजिए, अरे उनको 8:30 बुला लीजिए, वो अपना 12 चले जाएंगे, बाकी 3 टीचर को 4 टीचर को उसके बाद बुलाइए, आप उनको 11 बजे के बाद बुलाइए, 12 बजे बुलाइए उनको, वो 4 बजे तक रहेंगे। दैट इज ए मैनेजमेंट स्कीम। तो ये अगर मैनेजमेंट करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होगा। PhD के स्टूडेंट जो होते हैं वो सीनियर होते हैं, इसमें बहुत सारे होंगे जो माँ बाप भी होंगे, मुझे मालूम है, वो नहीं बोलेंगे बहुत सारे शर्म से मालूम है इसमें कई बात है। हमने इसमें बोले कि अरे भाई वो बायोलॉजिकल नीड है, तो बच्ची भी आई है। अब चाहेंगे हेड साहब को कि कम से कम एक केयर टेकर यहाँ रखें कि जब कक्षा हो, मैंने रखवाया थे पीए में शिकायत भी हो सकती है जिनके छोटे बच्चे होंगे। मेरी दीदी खुद पढ़ती थी और बेटी छोटी थी तो लेके जाती थी स्कूल, ना बोलते थे बच्चा लेके नहीं आई। आज अगर किसी माँ को अगर स्कूल वाला कह देगा बच्चा नहीं लेके आए तो जेल जाने से उसको नहीं रोक सकता। राइट ऑफ द चाइल्ड ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रॉपर केयर करें। मैं कोरोना काल में BBC का न्यूज में देख रहा था, कोई महिला टीचर थी, उसकी छात्रा नहीं आई थी क्लास में, तो एक दिन नहीं आई, दूसरे दिन नहीं आई, तीसरे दिन नहीं आई, तो वो टीचर ने फ़ोन किया उस छात्रा को, अरे तुम क्यों नहीं आ रहे हो क्लास में, अंग्रेजी में बात हो रही थी। तो बोले कि आज जो केयर टेकर थी ना, वो चाइल्ड केयर टेकर, वो नहीं आई है, 2-3 दिन से लगातार बीमार है, इसलिए मैं 2 दिन छुट्टी, आज तीसरा दिन है। वो बोले कि तुम बच्चा लेके आओ, और बच्चा लेके आई और शिक्षक अपने पीठ पर बांध के और वो पढ़ा रही थी, आप लोग भी देखे हैं, मतलब नाम याद नहीं है, जरूर फोटो देते हैं। अरे क्या टीचर है भाई, पर जितना हम प्रणाम करें वो कम है, हम तो उनके दोन भी नहीं है। हाँ मैं अब जरूर करता था कि मेरे महाविद्यालय में अगर छात्राएं बच्चा वाली होती थी तो दूसरे क्लास की छात्राओं जिसका क्लास ऑफ रहता था, हर क्लास में मॉनिटर होता था लड़का और लड़की, और दो डबल डबल होता था, एक नहीं आए तो दूसरा काम करे, तो उनकी जिम्मेदारी होती थी बच्चा खिलाना, ये डिक्लेयर्ड था, बाहर लिखा हुआ रहता था उसके नाम रोल नंबर और सब चीज़, ताकि उसको खोज के बच्चा थमाया जा सके, और वो स्वतः करता था। तो ये कोऑपरेटिविटी है, कैसे हम सहयोग और सहभागिता कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं हमारे यहाँ मालूम है। अब उस दिन पूछे थे तो बोले हम पटना से आते हैं क्लास करने, हम तो चकरा के सुन गए कि प्रोफेसर साहब तो आ जाते हैं पटना से, 2.5 लाख रुपया मिलता है तो आ जाते हैं, जो शोध करने के लिए पटना से आ रहा है वो कैसे आए, मोतिहारी से कैसे होगा। हॉस्टल बन रहा है, लेकिन जो हॉस्टल बन रहा है वो लड़कियों के लिए बन रहा है, तो एक परेशानी वो है। दूसरा है गेस्ट हाउस बन रहा है, दूसरा गेस्ट हाउस बन रहा है तो यहाँ गेस्ट कितना आएगा, जब गेस्ट नहीं आएगा तो उसको भी हम लोग हॉस्टल में कन्वर्ट कर देंगे। अभी थोड़े कहेंगे कि ये हॉस्टल है, अरे कहेंगे गेस्ट है, गेस्ट के रूप में रख रहे हैं उसको, जो नॉमिनल फी है लेंगे उससे। तो ये होता है मानसिकता होती है, उसको कैसे कह सकते हैं। हमने जोर तक करके कहा है कि जो पुराना भी है उसको भी तैयार करने के लिए कुछ विभाग हैं जिनको बहुत कम स्पेस है, जैसे फिलोसफी है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, होम साइंस अभी भी कॉलेज में है, तो उसको यहाँ लाना है।